सबसे पहले अयोध्या में कौन तीन मेडिएटर जो भी हैं अयोध्या वाला केस का, एटलीस्ट तीनों का नाम होगा फिर का, ठीक है, अयोध्या के मेडिएटर्स का। एक तो श्री श्री रविशंकर है अपने, ठीक है, दूसरा कोई जस्टिस है और तीसरा भी कुछ है, तो जो भी तीनों का नाम है वो तुमको पता होना चाहिए। हल्का आई थिंक उस दिन न्यूज पेपर में आया ही था, ठीक है, वो तुमको पता होना चाहिए। दूसरा ये क्या चीज है कर्णेश, ये नंबर कुछ याद आ रहा है किसको किसको आ रहा है यार, किसको नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा है, अमन क्यों नहीं आ रहा है, ये नंबर याद आ रहा है 1267 को आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अभी जो चाइना का ब्लॉकिंग मसूद अजहर वाला है, तो यूएनएससी का जो कमिटी है जो कि बैन करने के लिए बैठी है, वो उस कमिटी का नंबर ही है 1267, ठीक है, मसूद अजहर। तो उसपे क्या हुआ, क्यों नहीं बैन हो पा रहा है, क्योंकि चाइना टेक्निकल होल्ड लगा दे रहा है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। आई थिंक जब हम लोगों ने इंडिया चाइना पढ़ा था या इंडिया पाकिस्तान पढ़ा था, उस वक्त भी 1267 आया होगा, और इस तरह भूलते रहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो 1267 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी है, ठीक है। तीसरा ये नाम याद आ रहा है, स्वीडन की लड़की, स्वीडन की लड़की है, ठीक है, ये नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं, मिला नहीं है, नॉमिनेट हुए हैं, क्यों करने कि क्या है ये, कौन है, कुछ याद आ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आज, तो ये क्या है कि मतलब पार्लियामेंट, स्वीडन के पार्लियामेंट के बाहर अकेले बहुत दिन तक विरोध कर रही थी स्कूल छोड़ के, कि मतलब क्लाइमेट पे एक्शन लो क्योंकि कल नहीं बचेगा कुछ भी, ठीक है, तो उस पर्पस से, ठीक है, और उसी के इनिशिएशन पे आज के टाइम में जो सौरभ ने शेयर किया था कि बहुत सारे लोग जो है स्कूल बंद करके विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। सर उसने एक ये भी बनाया फ्राइडे फॉर फ्यूचर, वो है जो जा रही थी प्रोटेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अच्छा फ्राइडे फॉर फ्यूचर, तो ये सब देखो फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ठीक है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर कहाँ की है, स्वीडन की है, ठीक है, कहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो स्वीडन के पार्लियामेंट के बाहर कर रही थी, आउटसाइड पार्लियामेंट स्वीडन, और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। और ये सब तुम एग्जांपल उसमें भी साइड कर सकते हो, कहीं भी एक्टिविज्म में एज इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नीड टू टेक स्टैंड, इस सब टाइप का कौन, चाहे एथिक्स में हो या कहीं भी ऐसे लिखने में हो, एनवायरमेंट का ऐसे लिखने में हो, बिकॉज इट मतलब क्या इमोशनल इश्यू है, और एक बच्ची है वो प्रोटेस्ट करे तुम्हें इम्पैक्ट इमोशनल, उसके बाद भी स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल, तो एक नया जो ये सेगमेंट है वो आ रहा है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, तो ये सारी चीजों से ये रिलेटेड है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार, ये ग्रेटा थनबर्ग जो है स्वीडन की लड़की है जो नोबेल पीस प्राइज के लिए हुआ है बिकॉज इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए, और फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके इसका क्या कुछ एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोबिलाइजेशन का काम, जो मोबिलाइजेशन का, तो देख लेना एक बार, गूगल कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, 1267 ये अभी मसूद अजहर के केस के कारण हुआ है, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद फिर अयोध्या में तीन मेडिएटर्स कौन है उनके बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं F-16 राफेल, ये सबको देखना है आपको, खास करके अपना जो है
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये सारा चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और है, याद आ रहा होगा मैंने बोला था कि INF ट्रीटी, चलो वो तो खैर पुराना हो गया, वो ऐसे कोई INF ट्रीटी के बारे में बोला था, क्योंकि उससे वो ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच में था, यूनिलैटरली यूएसए ने विड्रॉ किया, फिर दोनों ने विड्रॉ कर लिया। क्या है ट्रीटी, कैसे है, वो तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया मैंने एक बार भेजा था कि पठानकोट, अभी बालाकोट, कारगिल, उरी और कल कौन कौन सा भी न्यूज में आया, पुलवामा, अवंतीपुरा, ठीक है। ये सबका आपको जो है आइडिया होना चाहिए, लोकेशन में मैप में कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग पूछ देगा लॉन्गिट्यूडनल सजाओ, लैटिट्यूडनल सजाओ, तो वर्टिकली तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो वो तुमको आइडिया होना चाहिए कौन इसमें से पीओके में है, कौन जम्मू कश्मीर में है हमारे साइड, वो तुमको आइडिया होना चाहिए। बालाकोट पीओके में है, ठीक है। कारगिल, उरी, पुलवामा, ये सारा NH1 के अलोंग है सर। अच्छा, NH1 जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे सबसे लास्ट में कारगिल आ जाता है। ओके, तो ठीक है, तो वो सारा एस्पेक्ट जो है पठानकोट, पठानकोट ये पंजाब में, पंजाब में हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपको जो है पता होना चाहिए कौन कहाँ पे कैसे है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग देख लोगे। पाकिस्तान में क्रॉस करके, ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा आप लोग को होमवर्क है और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कि आप लोगों को कल करना है, एक एक में पकड़ा रहा हूँ सबको, ठीक है। IUCN ऐसे IUCN किताब में दिया हुआ है, बट IUCN उसके अलावा भी काम करता है। कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको नजर आया है, कुछ स्पेशल उसका प्रोग्राम हो, ये हो, जैसे कि IUCN ऐसे तो तुमको लगता हो केवल एनवायरमेंटल के लिए करता है, बट अगर उसका विकिपीडिया या उसका साइट पे जाकर पढ़ोगे तो पॉवर्टी एलिवेशन उन सब पे भी काम करता है, ठीक है, महिलाओं के लिए भी काम करता है। तो वो मतलब डायमेंशन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो तुम केवल एनवायरमेंट टिक करके आ जाओगे। तो IUCN पे कौन करेगा, कल करना है, ठीक है। तो IUCN नोट कर लो, कल बताएगा, ठीक है ना। IUCN WWF, ठीक है, वो पांडा जिसका सिंबल है, ठीक है। ग्रीन पीस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, .org खास करके उससे कितना ये होना चाहिए ppm में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 350 कट ऑफ है। सियरा क्लब, अब ये पांचों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तुम लोग कितने हो, 4 3 7 दो लोग ज्यादा हो, ठीक है। तो करने से तुम कोई करना चाहोगे कि नहीं, कौन सा करोगे, तुम ग्रीन पीस कर लो, ठीक है। उसके बाद सुजीत कर लेगा WWF, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कर लो, क्या मन, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कर लो। कंजर्वेशन इंटरनेशनल तुषार, 350 और जो है मुकेश कर लेगा, और सियरा क्लब जो है तुम कर लोगे दीपक, ठीक है, बाकी जो है तो ये भी तुमको करना है, कल करना है, ठीक है। इसके अलावे नेक्स्ट वीक आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नेक्स्ट वीक रिवर्स रिवाइज करेंगे, जो भी रिवर्स है कहाँ है, क्या है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन किसके बॉर्डर पर है,
वो पूछेंगे आपको जबरदस्ती देख के आना होगा, सबसे पूछा जाएगा ठीक है, और नहीं याद करके आओगे तो अच्छा नहीं होगा ठीक है, उससे बढ़िया है कि मत आना ठीक है। तो रिवर्स हो गया, माउंटेन प्लेटू ठीक है, उसके अलावा आपको जो था वेटलैंड रामसर वाला सारा भेज दिया है इसने, दीपक ने भेजा है, शेयर किया है कौन सी नदी कहां से गुजरती है ठीक है। तो प्लेटू रिवर्स माउंटेन वेटलैंड ये आपको किसी हालत में अगले बार करके आना है, और अभी से ही याद करना शुरू कर दो टाइगर रिजर्व्स कौन किस स्टेट में है पूछेंगे ठीक है, कौन किस स्टेट में, ऐसा नहीं होगा एक से रैंडमली जितना बहुत सारा है भाई तो मतलब कम नहीं पड़ेगा तुम लोग के लिए ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो टाइगर रिजर्व उसके अगले वीक में पूछेंगे, बट देखना अभी से शुरू नहीं करोगे तो याद भी नहीं होगा दो वीक में, ये भी श्योर है। अभी रिसेंटली आग लगा था मैंने दोनों बार मार्क करके भेजा था ठीक है, बांदीपुर में दो बार लगा है, फिर मुंडन थुरई भी न्यूज़पेपर में आ रहा था, ये सब एक एक ही साथ है आसपास ही है, बट कोई किस कोई कर्नाटक में है, कोई केरल में है, कोई तमिलनाडु में है ठीक है, सत्यमंगलम सब एक लाइन में है ठीक है। मुंडन थुरई, इसके अलावा हम लोग कौन सा सबरीमाला का कौन सा था, पंबारी सर, इसके अलावा ओरांग जो है असम, ओरांग नामेरी ठीक है, वो तो याद करना ही पड़ेगा तुम लोगों को ठीक है। ओरांग अभी न्यूज बनी थी, हाँ ओरांग में क्या है, एक टाइगर पार्क है असम में, अच्छा अच्छा, एक बनेर घट्टा भी आप मार्क कर, बनेर घट्टा वो तो इको सेंसिटिव नाम के लिए, हाँ। और इसके अलावा तुमको अवनी वाला बताए थे तो उसमें भी बताए थे यावतमल डिस्ट्रिक्ट ठीक है ठीक है। तो ये सब भी, तो ये सब तो खैर उसी में, सारा लिस्ट में है, कोई भी ऐसा नहीं जो आपके लिस्ट में नहीं है ठीक है। तो उसको स्टेट वाइज देखना शुरू कर दो ठीक है, तो ये तुमको कंप्लीट करना है ओके। तो ये हो गया हमारा रिवीजन वाला पार्ट, तो ये हम लोग देख लेंगे, कुछ पार्ट हम लोग कल देखेंगे वो वाला पार्ट, और बाकी पार्ट जो है हम लोग अगले वीक क्वेश्चन पूछेंगे। सर लेकिन हाँ, न्यूज में आया था फार्मास्यूटिकल वाला टैक्स वाला, वो क्या है, कौन फार्मास्यूटिकल टैक्स, उसमें टैक्स कलेक्ट जो फाइन लगता है जो एमपीसीसी एमपीपीए जो एमपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो पूरा कलेक्ट नहीं करता था, अच्छा मतलब बहुत ही लेस देन 30% कलेक्शन था, लेकिन ये लास्ट वाला जो फिस्कल है उसमें ढंग था कलेक्ट किया, तो वही है कि जो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर प्राइस करता है तो उतना फाइन करके नेशनल ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है डीपीसी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बेसिस पर जो है काम करता है, तो उसमें क्या करता है वो कुछ ड्रग्स को जो है एसेंशियल ड्रग्स घोषित करता है, लिस्ट कर देता है, 300 से ऊपर है 370 के ऊपर है उतने ड्रग्स लिस्टेड है क्या तुमको एसेंशियल ड्रग्स, तो उन सारे ड्रग्स पर प्राइस जो होगा कितना मैक्सिमम प्राइस होगा वो फिक्स करेगा कौन, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ठीक है। बाकी ड्रग्स पर वो प्राइस कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन अगर उसको ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा ही प्राइसिंग हो रहा है तो उसका प्राइसिंग कैप कर सकता है ठीक है, तो जैसे स्टंट वगैरह का किया था ठीक है, तो कुछ तो एसेंशियल ड्रग्स हैं तो उसका तो प्राइस ही कैप कर देता है, उसका मतलब फॉर श्योर प्राइस कैप करेगा, उसके अलावा जो ड्रग्स हैं उनका क्या करता है प्राइस और अवेलेबिलिटी देखता रहता है और इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी रहे, एट द सेम टाइम इंश्योर करता है कि बहुत ज्यादा प्राइस रैंडमली भी नहीं भाग रहा हूं ठीक है। ये काम है नेशनल ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का, और वो डीपीसीओ के बेसिस पे काम करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है उसके बेसिस पे काम करता है ठीक है ओके। तो ये था अभी तक का न्यूज़ प्रोग्राम।